रमेश नायक ने आज नवी मुंबई के हनुमान नगर झोपड़पट्टी में नागरी सुविधाओं से जुड़े कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इनमें सड़क, कांक्रीट, फुटपाथ का निर्माण और उद्यान के विकास कार्य प्रमुख रहे। युवा नगर सेवक अमित मेड़कर की मांग पर नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा इन सेवा सुविधाओं का निर्माण होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई के हनुमान नगर की गलियां कंक्रीट की सड़कों में तब्दील होने वाली हैं, फुटपाथ चमकने वाले हैं और नई स्ट्रीट लाइट से झोपड़पट्टी की गलियों में रोशनी फैलने वाली है। जी हां, ये वो विकास कार्य हैं जिसका बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवक अमृत मेड़कर समेत बीजेपी के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। युवा नगर सेवक अमित मेड़कर की मांग के बाद नवी मुंबई महानगर पालिका ने यहाँ नागरी विकास कार्यों को पूरा करने की शुरुआत की है। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने हनुमान नगर के इन विकास कार्यों का शुभारंभ करते हुए युवा नेता अमित मेड़कर के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हनुमान नगर की जनता इन नागरी सेवा सुविधाओं की हकदार है और अमित मेड़कर ने जनता का हक दिलाते हुए जिस तरह उनकी सेवा की है, जनता उन्हें बड़े समर्थन के रूप में जरूर लौटाएगी। हनुमान नगर, इंदिरा नगर और अम्बेडकर नगर, इन तीन इलाके में समाज के हित के जो काम है उसका शुभारंभ हुआ, जिसमें गार्डन बनने वाला है, जिसमें प्रवेश द्वार बनने वाला है। अमृत मेड़कर के नेतृत्व में अमित मेड़कर इस इलाके को अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और उनके माध्यम से यहाँ के समाज की सेवा हो जाएगी, ऐसा विश्वास मैं व्यक्त करता हूँ। वहीं युवा नगर सेवक अमित मेड़कर ने महानगर पालिका द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों की जानकारी देते हुए भरोसा दिलाया कि अभी दर्जनों विकास कार्य हैं जिनकी शुरुआत होने वाली है। अमित मेड़कर ने मनपा चुनाव के मद्देनजर सक्रिय हुए स्थानीय शिवसेना नेताओं पर भी तंज कसा। मेड़कर ने कहा कि कुछ लोग हनुमान नगर की जनता को पैसों से खरीदना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि यहाँ की मेहनतकश जनता होशियार है और सदैव सच्चे और अच्छे का साथ निभाती रहेगी। जो BSF कंपनी है, जो मस्जिद परिसर है हमारा, वहाँ पर एक 500 मीटर का प्लॉट है, उसमें हमने यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए वहाँ पर हम लोग पूरा एक प्ले स्टेशन बना रहे हैं और साथ ही में गार्डन का वहाँ पर नियोजन कर रहे हैं और संजीवनी क्वारी करके जो हमारा ये दोनों जो एरिया है यहाँ पर दोनों जगह हाई मस्ट लगाने का काम यहाँ पर किया जाने वाला है। आने वाले समय में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हमारे इस प्रभाग में हम सब साथ में मिलकर दादा के मार्गदर्शन में और मेरे पिताजी अमृत जी मेड़कर इनके मार्गदर्शन में करते रहेंगे। गए दो साल से देखा गया कि तीन टप्पे में इलेक्शंस के मोड़ आए थे और उस तीन टप्पे में एक है जो बार बार आके लोगों को यहाँ पर गुमराह करता है, लोगों को यहाँ पर उनको लालच देने की बात करता है, फिर उनको लोगों को बोलता मैं तुमको ये 10,000 रुपया चालू कर दूंगा महीने का, तुमको ये गाड़ी देता हूँ, तुमको महानगर पालिका पे नौकरी पे लगाता हूँ। ये सिलसिला काफ़ी सालों से चला यार, इसके पहले भी जितने इलेक्शन लगे इस बंदे ने ऐसे ही किया, तो दोबारा से ये जो झूठे आश्वासन के जो नए नए हवा है दोबारा से यहाँ पर चालू हो चुकी है। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि जो भी करना है सच्चाई की बुनियाद पे करो, लोग झूठ बोल के हमारे प्रभाग की जो भी ये गरीब जनता है इनका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल मत करके लोगों, हमारे ये तुर्बे की जनता बहुत होशियार है, इस बार ये किसी के बहकाव में नहीं आने वाले और ऐसे लोगों को उनकी जगह वो दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत।